कल हमने पढ़ लिया था कि अगर हमारे पास दो तार हैं जो अनंत लंबाई के हैं, कितने लंबाई के हैं? अनंत लंबाई के, है ना, और इस दोनों में समान दिशा में धारा बह रही है, ये बह रही है I1 और ये बह रही है I2, याद है सभी को? और मान लीजिए दोनों तार एक दूसरे से कितनी दूरी पर आर, तो ये वाले दूसरे को क्या करते हैं बेटा? आकर्षित, क्या करते हैं? और वो वाले प्रतिकर्षित। दोनों पर ने कल पढ़ लिए थे, आप लोगों ने लिख भी लिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। अब बच्चों यहाँ पर हमें आगे जाना है और जो आकर्षण बल लग रहा है या उन दोनों में जो प्रतिकर्षण बल लगा था उसका क्या निकालना है? व्यंजक। क्या निकालना है? तो कोई दिक्कत की बात, सबसे पहले लिखेंगे तार PQ में I1 धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस तार के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन डी, लेकिन यहाँ आई की जगह क्या है? I1, और दूरी अपन ने ली है r। आप चाहे तो डी भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आया बेटा? अब अगर आपने यहाँ वेक्टर लगाया रोहित, क्या लगाया? तो फिर आपको बाजू में लिखना पड़ेगा क्या? तल की लंबवत नीचे की ओर, अगर आपने वेक्टर लगाया, नहीं लगाया तो बात खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, मैं नहीं लगा रहा हूँ। अब इसके बाद लिखेंगे इस क्षेत्र B1 में अपना कौन सा तार रखा है? RS रखा है, और उसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस पर क्या लगेगा? चुंबकीय लौड़े बल। अब इस क्षेत्र में रखा कैसा है, देखिए ध्यान दीजिए, ये अपना तार है, ये अपना क्या है? तार, और ये अपना क्या है? क्षेत्र। अपन ने अभी उत्पन्न किया तो ये कैसे हो गए? लंबवत। ये दोनों तार समान तरह से क्षेत्र इस तरीके से उत्पन्न हुआ, लंबवत नीचे की ओर, और ये तार है तो कितना होगा, कोण पे हो गया 90 अंश पे। तो लिखेंगे कि क्षेत्र B1 में हमारा तार जो क्या है RS, कैसा रखा है? लंबवत, और इसमें कितनी धारा बह रही है? I2। तो इस पे लगने वाला चुंबकीय लॉरेंज बल F2, इस पे कौन सा बल लगेगा बेटा? F2, भूल गए? चुंबकीय लॉरेंज बल होगा, कल बताया था आई एल बी। अब आई जो इसमें धारा बह रही है, लंबाई इसके हमें पता नहीं, एल लिखा रहे दो, कोई टुकड़ा लिया होगा अपन ने, फिर बी वन, बी वन क्यों? बी वन इस पर, तो अभी अपने इसका उत्पन्न नहीं किया, तो मान रखेंगे रोहित यहां पर अपन एफ टू बराबर आई टू इंटू एल म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू आई वन अपॉन आर, सही है बेटा? तो ये आपका आ गया लगने वाला बल। तो ये कितनी लंबाई पर लगने वाला बल है? एन लंबाई, लेकिन ये तार दो काय के हैं, अनंत लंबाई के, तो हम तो बस क्या निकाल लेंगे कि प्रति एकांक लंबाई पे कितना बल लग रहा है। तो फिर हम लिखेंगे तार की प्रति एकांक लंबाई पे लगने वाला बल, उसके लिए अपन लंबाई क्या कर लेंगे? एकांक, या फिर इस बल में काय का भाग दे देंगे? एल का भाग दे देंगे, एल का भाग दे दो आई टू इंटू एल इंटू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू आई वन अपॉन आर, और एल से एल क्या हो गए? कैंसिल, ठीक है। तो अपना प्रति एकांक लंबाई का बल निकल आएगा रोहित म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू आई वन आई टू अपॉन आर, बस यही अभीष्ट व्यंजक है, कल भी कराया था इसका अंतर क्या रहेगा? न्यूटन रहेगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। अब आप देखो अपन ने तो उसकी बात ही नहीं की ना, इसका क्षेत्र उत्पन्न किया है, अगर हम चाहें तो इसका क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकते, इसका क्षेत्र क्या आएगा? बी टू वेक्टर, क्या आएगा? बी टू वेक्टर बाहर की ओर, और इसमें बल कहाँ लगता है? यानी तो इससे भी करोगे रोहित तो आंसर क्या आएगा? सेम। तो प्रति एकांक लंबाई से निकालना है कि इसकी एकांक लंबाई, इसकी एकांक लंबाई पर लगाएगी, नीचे वाली एकांक लंबाई इस नीचे वाली एकांक पर लगाएगी, तो सब गला हो गया। तो ये अपना व्यंजक है, सबको समझ में आया प्रति एकांक लंबाई क्यों निकाला? बिकॉज हर समय सामने क्या लग रहा है? बल लगा, दोनों से बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो चाहे अभी अपन ने क्या किया, इस तार द्वारा इस तार पर लगाया बल निकाला, आप चाहें तो इस तार द्वारा इस तार पर लगाया बल निकाल, तो भी ये सेम ही आएगा, जैसे कूलाम के नियम में क्यू वन द्वारा क्यू टू पर लगाएगा बल बराबर क्यू टू द्वारा क्यू वन पर लगा। सभी को बात पता होनी चाहिए, होनी चाहिए पता कि नहीं होनी चाहिए, जैसे वहाँ क्यू वन क्यू टू होता है वैसे यहाँ पे आई वन आई टू होता है, समझ रहे? कुल मिला के समझो कि तीव्रता में काय गुणा कर दिया धारा का, देखो रोहित गौर करो तो दिमाग लगाओ, तो वहाँ क्या करते हैं अपन, कैसे करते हैं? तीव्रता में काय गुणा करते हैं आवेश का, तो उस पर क्या लग जाता है? बल। वैसे यहाँ तीव्रता में काय गुणा किया धारा का, तो क्या लग गया? बल। अगर अपन एक सिस्टमेटिक काम बनाना चाहें, समझ में आया सभी को? चलिए बच्चों, हमने देखा कि दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल म्यू जीरो वन फोर पाई टू आई वन आई टू अपॉन आर, जहाँ पे आर उन दोनों तारों के बीच की क्या है मानसी दूरी है, और आई वन पहले तार में प्रवाहित होने वाली धारा और आई टू दूसरे डायरेक्शन की, कुछ भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बल लगाते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं एक एम्पीयर की परिभाषा, तो सर वो तो पहले ही पढ़ा चुके, अगर आपको याद हो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, हम लिखते हैं
कि यदि किसी चालक में एक कूलाम का आवेश एक सेकेंड तक प्रवाहित हो रहा है तो चालक प्रवाह धारा एक एम्पियर। बायोसेवर्ट के लिए पढ़ा देते, कोई कहीं भी पढ़ा दो, एक एम्पियर की परिभाषा कोई चीज नहीं है। लेकिन ये जो यहां से अपन एक एम्पियर की परिभाषा निकालेंगे वो धारा की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है, एक एम्पियर की मात्रक की परिभाषा। जैसे कि वो परिभाषा होती है कि भाई फ्रांस में सीवरस के निकट एक छड़ रखी हुई है जिसकी लंबाई क्या मानी जाती है, एक मीटर। तो ये अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है। तो कई पेपर में लिखा आता है एक अंतरराष्ट्रीय एम्पियर की परिभाषा को समझाइए, मतलब पूरा डेरिवेशन करना है, उसके बाद परिभाषा है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो टाइम बच रहा है। चलिए तो यहाँ पर सोचिए, सबसे पहले तो म्यू 0.4 बाय एंशल, क्या मैं एडजस्ट करूँ ध्यान से, कमानो 10^-7 2 और I1 I2 upon R, तो ये हो गया आपका 2×10^-7 I1 I2 upon R। हाँ, 7 लिख रहे हैं। चलिए अब देखिए, सोचिए कि दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी हो जाए, 1 मीटर, नॉर्मल सी बात है। सोचो कि जो अपन दोनों तारों में धारा बहा रहे हैं वो क्या हो, बराबर, कोई बड़ी चीज नहीं है। दोनों तारों में धारा I1 I2 क्या हो गया, I। आखिरी चीज कि अपन ने बल की गणना की और बल आपका आ गया 2×10^-7। ये सारी चीजें यहां रखें, तब 2×10^-7 बराबर 2×10^-7 I×I upon R, R मतलब 1। तो ये क्या होगा, सब आई स्क्वायर बराबर आ गया आपका 1 का स्क्वायर, तो I बराबर क्या आ गया रोहित, 1, 1 एम्पियर। मतलब यदि अपने पास दो चालक तार है, कैसे हैं, समांतर, समांतर नहीं रखनी चाहिए, तो यदि जो समांतर सीधी धारा वाही चालकों में समान धारा प्रवाहित हो रही है, क्या प्रवाहित हो रही है, और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर, कितनी है, और उनके बीच लगने वाला बल क्या है, 2×10^-7, तो उन तारों में प्रवाहित धारा क्या कहलाती है, 1 एम्पियर है। समझ में आया, तो अब सुनिए, यदि दो समांतर धारावाही चालक तारों में एक समान धारा प्रवाहित हो रही है और उनके बीच की दूरी, ठीक है, या अपन शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं ऐसे ही अच्छा है, माना काय वजह से, तो यदि दो समांतर धारावाही चालक तारों में एक समान धारा प्रवाहित हो रही है और उनके बीच की दूरी, तब यदि वे दोनों एक दूसरे पर 2×10^7 न्यूटन का बल लगाते हैं तो उनमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। सबको समझ में आ गया बेटा, चलिए एक छोटा सा सवाल है ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए एकांक लंबाई के बारे में या किसी भी लंबाई के बारे में क्या बात हो रही है। एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तार ए व बी, मतलब दो तार हैं अपने पास, कितने तार हैं रोहित, दो, ये आपका तार हो गया ए, ये तार हो गया बी, और इन दोनों में क्रमशः 8 और 5 एम्पियर, तो I1 है 8 एम्पियर और I2 है 5 एम्पियर। सुन रहे हैं मेरी बात को, I1 I2 8 एम्पियर और 5 एम्पियर एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। अच्छा तार, अच्छा और एक बात लिखा है, दूरी कितनी है, 4, तो इन दोनों बीच दूरी R बराबर क्या है, 4। अलग से लिखा है तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल, मतलब एकांक लंबाई पर नहीं निकालना है, कितने पर निकालना है, बल का क्या करना है, आकलन करना है। तो यहाँ पे गौर करना पड़ेगा, दोनों तारों के बीच की दूरी लिखेंगे R, बोलिए R कितनी है, 4 सेंटीमीटर, नहीं चलेगी, 4×10^-2, सही है बच्चों, नहीं है सही, नहीं तो आप 4/100 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते, क्या लिख दें, 4/100 लिख दें। चलिए फिर है तार बी में प्रवाहित धारा, सॉरी तार ए में प्रवाहित धारा 8 एम्पियर, तार बी में प्रवाहित धारा, सही जवाब, तार ए के खंड की लंबाई मतलब एल, इसको अपन एक अंग लिया था, कितना है, ये भी सेंटीमीटर में नहीं चलेगी, 10×10^-2, इसको ज़्यादा सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज ये कट जाएगा। अब तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पे लगने वाला बल एफ बराबर μ0/4π2I1/I2/R इंटू एल, जी हाँ एल भी रहेगा, क्यों, एकांक लंबाई भी निकाला कि तुमने निकालना 10 सेंट, मान रखेंगे 10^-7, I1 का मान 5, R का मान 4×10^, अब L का मान 10×10^-2 कैंसल, 4 एकम 4, 4 दूनी 2, दूनी 4,
पंचे 20, धाम 200, बोले 10^-7। अब इसके आगे तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो 2×10^-5 न्यूटन। समझ आया बेटा? चाहें तो आप लिख सकते हैं इसके साथ साथ कि दोनों बल, कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। क्यों? क्योंकि चूंकि दोनों तारों में समान धारा बह रही है, अतः दोनों एक दूसरे पर 2×, तार ए के 10 सेंटीमीटर खड़ने पर कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। वो कितने न्यूटन का? 2×10^-5 न्यूटन का। लिख ले, लिखवाया है उसमें, लिखा है कि कोई चालक तार है उसमें 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और वो 0.15 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 अंश कोण बनाते हुए रखा गया है और उसकी प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय लॉरेंट्ज़ बल हमें निकालना है। सबसे पहले एल लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय लॉरेंट्ज़ बल होता है ILB sin θ। सही के गलत? ये हो गया। अब निकालेंगे प्रति इकाई लंबाई पर। क्या प्रति? तो क्या फर्क हो जाएगा मान जी उसमें? एल क्या हो जाएगा? 1। आई का मान बता दो 8, 0.15 sin 30। इससे पहले कि आप कुछ भी करें, साइन 30 का मान बता दो। 2 × 8 15 × 60 कितना आ गया रोहित अपना? 0.6 न्यूटन। ठीक है, और दिशा लिखेंगे। दिशा होगी एल वेक्टर व बी वेक्टर जिस तल में स्थित है उन दोनों के लंबवत। समझ गए?